आज हम बनाएंगे गिलकी की सब्जी। बहुत ही हेल्दी सब्जी होती है, गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होती है, लेकिन इस सब्जी को खाना लोग पसंद नहीं करते। आज आप मेरे इस तरीके से इस सब्जी को बनाएंगे तो बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीएम रसोई में। गिलकी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के करीब गिलकी ली है। गिलकी को मैंने अच्छे से धो लिया है, ये बिल्कुल ताज़ी गिलकियाँ हैं, तो इसे हम चाकू से ही छील लेंगे। आप चाहें तो इसे पिलर की मदद से भी छील सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये चाकू से आसानी से छील गई हैं। इन्हें मैंने छील लिया है, इसे मैं दोबारा से फिर से अच्छी तरह से धो लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने धो लिया है, अब हम इसे काटेंगे। तो पहले हम इसके जो ऊपर और नीचे के पार्ट होते हैं उन्हें अलग कर देते हैं, फिर आप इन्हें मनचाहा आकार में काट सकते हैं। मैं यहाँ पे इन्हें गोल टुकड़ों में काट रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट गिलकियाँ हैं। तो ये देखिए, इन्हें ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला करना है, मीडियम साइज में हम इसे काट लेंगे। तो सभी गिलकी को मैंने काट लिया है, अब हम गैस पर कढ़ाई गर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई को रख दिया है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है तो इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 तेज़पत्ता लिया है, 1 लाल मिर्च, 3-4 दाने काली मिर्च के, 2 लौंग और थोड़ी से दालचीनी के टुकड़े। इन्हें हम हल्का सा चला देते हैं और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग डालेंगे 2 पिंच के करीब। इन्हें हम हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बढ़िया सा चटक गया है मसाला, तो इसमें हम अदरक और लहसुन डालेंगे। इसे मैंने थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस तरह कूट के डालने से। इसे भी चला लेते हैं। अब हम इसमें बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से, जितना तीखा खाना हो आप उस हिसाब से डाल दीजिएगा। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। 1 प्याज ली है, इसे मैंने बारीक काट लिया है। इसे भी हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी हैं तो इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। सभी मसालों को तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमें इन्हें भूनना नहीं है। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। 2 टमाटर लिए हैं, टमाटर को हमने बारीक काट लिया है। इन्हें भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो इसमें हम नमक डाल देते हैं, ताकि जो टमाटर है जल्दी से गल जाए। तो आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा और इसे एक बार चला लेंगे और इसे हम ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर है अच्छे से गल जाएं। बीच बीच में हम इसे देख भी लेंगे कि टमाटर जले ना। तो ये देखिए टमाटर बिल्कुल बढ़िया से गल गए हैं, चला लेते हैं हम इसे एक बार। देखिए तेल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें कस्तूरी मेथी डाल देते हैं। कस्तूरी मेथी डालने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है सब्जी का, ज़रूर डालिएगा। मैंने डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज़ जिससे ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये देखिए, ये मैंने सेव लिया है, ये रतलामी सेव है, आप कोई भी सेव ले सकते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया सब्जी का टेस्ट आता है। तो सेव को मैंने इस तरह से, ये देखिए, पीस लिया है। पीस के हमें इसमें सेव डाल देना है। सेव डालने से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सेव है पहले से ही फ्राई रहती है, तो अच्छे से भुनी हुई है। बस मसालों में अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सेव भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें गिलकी डाल देते हैं जो हमने काट के रखी है, और इसे भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाला है गिलकी में अच्छे से लग जाए। तो इसे हमें चलाते हुए मिक्स कर देना है। तो ये देखिए मसाला बिल्कुल बढ़िया सा गिलकी में लग गया है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे,
तो बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है क्योंकि गिलकी भी पानी छोड़ती है। तो आधा ग्लास के करीब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए बढ़िया सा मसाले के साथ जो गिलकी है मिक्स हो गई है। तो अब हम इसे ढक देंगे और ढक कर इसे 6 से 7 मिनट पका लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे ढक दिया है और ये 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी पकी हुई है, तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। तो 1 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और ऊपर से हम इसमें धनिया की पत्ती से गार्निश कर देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस सब्ज़ी का कलर और इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ये देखने से ही कितनी टेस्टी लग रही है। यदि आपके बच्चे इस सब्ज़ी को नहीं भी खाते होंगे, आप इस तरीके से बनाएंगी ना तो मांग मांग के खाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। आप इस सब्ज़ी को चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। यदि आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकॉन की बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।